हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग भिन्न का जोड़ सीखने वाले हैं, यानी कि बट्टा का जोड़ सीखने वाले हैं या फिर फ्रैक्शन का जोड़ सीखने वाले हैं। इसी को कहते हैं भिन्न या फिर फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसी का हम लोग जोड़ सीखेंगे और आपको कंप्लीटली समझा देंगे इस वीडियो में, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भिन्न का जोड़ जो है, उससे पहले आप एक चीज समझ लीजिए, ये जो कोई भी चीज बट्टा के रूप में लिखा है, ठीक है, यहाँ पर 5/6, तो ये ऊपर वाला जो हो गया है इसको कहते हैं क्या, अंश, ठीक है, और नीचे वाला जो हो गया उसको कहते हैं हर, ठीक है। ये दो चीज याद रख लीजिए। तो भिन्न का जोड़ निकालने के लिए सबसे पहले जो हर दिया रहता है उसका क्या करना है, तो आप एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। एलसीएम यानी कि लघुत्तम, ठीक है, लघुत्तम, लघुत्तम निकाल लीजिए, यानी 3 और 4 का जब लघुत्तम निकालिएगा तो कितना होगा, 12। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, 12 हो गया। अब क्या करना है उसको समझिए बारी बारी से। इस 4, जैसे ये 4 है हर में, इसको उठा के इस 12 में भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो 3 होगा। अब इस फिर 3 को क्या करना है आपको, इस ऊपर वाले से गुना करना है। तो गुना किससे करना है, इस ऊपर वाले से, 5 से, तो गुना कर देते हैं। फिर बीच में देखिए प्लस है, तो प्लस लिख दीजिए और फिर समझिए। फिर इस 3, इस हर को उठा के फिर इस लघुत्तम में भाग दीजिए, यानी 12 में भाग दीजिएगा तो कितना होगा, तो 4 होगा, ठीक। अब 4 को क्या करना है, फिर इस ऊपर वाले से गुना करना है, तो गुना कर दीजिए, सिंपल सा बात है। तो देखिए गुना कितना आसान से हो गया, ठीक। अब देखिए क्या करना है इसमें, 3 5 15, 15 हो गया। और बीच में अगर प्लस है तो प्लस उठा के हम रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब 6 चौका 24, अब बट्टा में कितना है, 12, ठीक, ये हो गया। अब देखिए क्या करना है, इसको ऐड कर दीजिए यानी जोड़ दीजिए। तो 25 24 में आप 15 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 24 में जब 15 जोड़िएगा कितना होगा, 5 4 9 2 1 3, यानी 39/12। आप चाहते हैं तो इसको थोड़ा और काट कर छोटा भी कर सकते हैं, अगर नहीं चाहते हैं तो इसको ऐसे ही रहने दे सकते हैं। जैसे काटिएगा छोटा कीजिएगा तो 3 1 3, 3 3 9, 13 3 39, ठीक है, 3 2 12, ठीक है। इस बात को समझ गए, तो ये आपका आंसर हो गया। तो भिन्न का जोड़ कितना आसान था बनाना, देखिए मैथ बिल्कुल आसान है, लेकिन आपको अगर समझाने वाला मिल जाए तब आसान है। अगर आपको कोई प्रॉपर समझाने वाला नहीं मिलेगा तब तक आपके लिए मैथ बहुत भारी है। अगर लेकिन अब सही से आप एक बार मैथ समझ जाइएगा तब तो फिर दिमाग से निकलेगा नहीं, ठीक। तो सबसे पहले क्या कि लघुत्तम था, लघुत्तम निकाल लिया हर का, ठीक है, यानी एलसीएम, एलसीएम निकल गया। उसके बाद क्या किए, पहले वाले हर से भाग दिए, 4 से भाग दिए 12 में, तो कितना आया, 3। और 3 को फिर इस 5 से गुना कर दिया ऊपर वाले से, ठीक है। फिर प्लस था बीच में तो प्लस लिख लिए। उसके बाद क्या किए, फिर इस हर से उठा के लघुत्तम में भाग दिए तो आया 4। 4 को फिर ऊपर वाले से गुना किए 6 से, तो ठीक है। तो ऐसे 15 + 24/12, तो फिर जोड़ लिए 39/12, तो बात खत्म। तो भिन्न का जोड़ कितना आसान था, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। अगर आपके पास दिमाग जिंदा है तो समझ लीजिए इससे आसान कुछ है नहीं, ठीक। अगर आपको नहीं पता था तो इस वीडियो में हम कंप्लीट समझा दिए हैं। तो फिर से देखिए यही क्वेश्चन बनाते हैं एक और। तो सबसे पहले ऊपर वाला क्या अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, इस दोनों हर का जो है, यानी कि ये दोनों हर है नीचे वाला, इसका उठा के एलसीएम लीजिए, ठीक है, यानी लघुत्तम निकाल लीजिए। एलसीएम कितना होगा, एलसीएम यानी कि लघुत्तम, लघुत्तम 6 12 कीजिएगा तो कितना होगा, तो 12। आसान सा बात है, इसमें तो कुछ है खास नहीं, ठीक। लघुत्तम निकाल लिए, अब क्या करना है, देखो इस लघुत्तम को बट्टा के रूप में यहाँ लिख लो, ठीक है, ये लिख लिए। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए इस 6 को उठा के इस 12 में भाग दीजिए, यानी लघुत्तम में भाग दीजिए, तो कितना होगा, 2। 2 हो गया। अब फिर से क्या करना है, इसको गुना करना है, तो किससे, इस ऊपर वाले से, ठीक है, तो 5 से गुना कर दीजिए। फिर बीच में प्लस है तो प्लस दे दीजिए, ठीक। अब देखो क्या करना है, यहाँ पर देखो, देखते जाओ, इस 12 को उठा के 12 में भाग दो, कितना होगा, 12 को जब 12 में भाग दोगे तो 1 हो जाएगा। अब क्या करना है, अब फिर इसको गुना करो ऊपर वाले से 4 से, ठीक है, तो ये हो गया। अब कितना हुआ, देखो 5 2 10 प्लस 4 1 4 बटा में 12, तो कितना हो गया आपका, तो 14 बटा में 12। इसको फिर काट कर छोटा कर लो, तो काटोगे 2 से तो 7 हो जाएगा, 2 से काटोगे तो 6 हो जाएगा, यानी कि 7/6। तो यानी कि भिन्न का जोड़ जोड़ बनाना देखे कितना आसान था, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। यानी इतना आसान था भिन्न का जोड़ बनाना, कैसे किए, सबसे पहले हर का लघुत्तम निकाल लेना है, लघुत्तम हो गया आपका 12, तो 12 को यहाँ लिख दिए। फिर इस हर को उठा के 12 में भाग दिए तो कितना हुआ, 6 से जब 12 में भाग दीजिएगा तो 2 हो गया। अब फिर गुना करना है किससे, तो ऊपर वाले से, तो 5 से गुना कर दिए
ठीक, बीच में प्लस है तो प्लस दे दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, फिर इस शहर को उठा के भाग दीजिए 12 में, यानी 12 में 12 से भाग दीजिएगा तो एक, एक को गुना करना है फिर ऊपर वाले से, तो कर दिए गुना, तो 5 गुना 10 और 4 एकम 4, तो 10 4 14/12, फिर इसको काटा पीटी करके 7/6। तो कितना आसान था भिन्न का जोड़ बनाना, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपने दो भिन्न का जोड़ बताया जो कि कितना आसान था आपके लिए। यानी अगर आप भिन्न का जोड़ अभी तक नहीं पता है तो इस वीडियो को फिर से देखो, आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो भिन्न का जोड़ से आसान तो हमको लगता है कुछ हो ही नहीं सकता, यानी कि इतना आसान है। अगर आपको मैथ पढ़ाने वाला अच्छा टीचर नहीं मिला इसके कारण अगर आप अभी तक नहीं सीखे होंगे, ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं रह गया इसमें। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर कुछ क्वेरी हो चाहे नेक्स्ट टॉपिक कौन सा रहना है तो उस पर कमेंट में लिख दो, ताकि हमको पता चल सके कि नेक्स्ट वीडियो हम किस पर बनाएं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।